हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर सिक्स, सब्सटेंसेस इन डेली यूज़। स्टूडेंट्स, अगर आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको सिक्स स्टैंडर्ड के मैथ्स एंड साइंस के लेसन की वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर हम लेसन देखेंगे सब्सटेंसेस इन डेली यूज़। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्री ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द पिक्चर। तो आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो ये कौन से है? जैसे कि चेयर है, टेबल है एंड अ कबर्ड है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई देम। तो आपने ये किस तरीके से आइडेंटिफाई किया? थर्ड वन है, वॉट मटेरियल आर दे मेड ऑफ। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए कौन से मटेरियल को यूज़ किया गया है, जैसे कि चेयर, टेबल, कबर्ड को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है, कैन एनी वन ऑफ दिस मटेरियल्स बी यूज टू मेक ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बने हुए क्या? इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं सब्सटेंसेस बनते हैं, और जो सब्सटेंसेस होते हैं ये वेरी स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैव अ स्पेसिफिक शेप, देयर पार्ट्स हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट बाय विच वी आइडेंटिफाई देम। जैसे कि हमें ऊपर पिक्चर दिया था इसका, यहाँ पे देखिए कि चेयर है, टेबल है, तो ये हमें कैसे पता चला कि कैसे हमने इनको आइडेंटिफाई किया कि इनका शेप, चेयर जो होती है इसका शेप अलग है, टेबल का शेप अलग है, कबर्ड का शेप अलग है। तो इनके शेप को देखकर हमें समझ में आता है कि, और उनकी जो प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन से है। उसके बाद देखना है यहाँ पे, वी यूज़ वुड, प्लास्टिक और स्टील टू मेक अ टेबल, चेयर और कबर्ड। तो यहाँ पे जो चेयर है, कबर्ड है, टेबल है, किससे बने हुए हैं? वुड, प्लास्टिक और स्टील से। दीज सब्सटेंसेस हैव द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू मेक दीज आर्टिकल्स, also the substances can be given a desired shape। तो ये जो चीज़ें बनती है, जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो इनकी स्ट्रेंथ देखी जाती है उस आर्टिकल्स को बनाने के लिए। कि जैसे कोई चेयर है या फिर टेबल होता है, तो टेबल का स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। अगर स्ट्रांग बनाना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वुड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के जब ऑब्जेक्ट हमें बनाने होते हैं, तो उसके लिए जो मटेरियल यूज़ करना होता है, उसकी स्ट्रेंथ हमें देखनी पड़ती है, प्रॉपर्टीज़ हमें देखने पड़ते हैं। ऑल्सो दिस सब्सटेंसेज कैन बी गिवन अ डिज़ायर्ड शेप। और इसी कारण हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेज से शेप दे सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। इट मीन दैट वी कंसिडर द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज टू यूज़ देम फॉर मेकिंग थिंग्स। तो जो भी चीज़ें हमें बनानी है, ऑब्जेक्ट्स बनानी है, तो जो भी सब्सटेंसेज यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये पहले हमें पता होना चाहिए। द सेम सब्सटेंसेस और मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मेनी ऑब्जेक्ट्स। तो एक ही सब्सटेंसेस से, एक ही मटेरियल से हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। लेट अस स्टडी सम सच एग्जाम्पल्स। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है, कौन से मटेरियल से, जिनसे हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं? तो यहाँ पे दिया है आपको फर्स्ट कॉटन। तो कॉटन से क्या क्या बना सकते हैं आप? क्लोथ है, फाइबर और थ्रेड है, धागे बना सकते हैं, साड़ीज, हैंकरचीफ्स, क्विल्स, मैट्रेसेस, पिलोज। तो एक ही कॉटन, एक ही सब्सटेंस यहाँ पे है, और इससे हम इतने सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर इतने सारे चीज़ें क्या कर सकते हैं, एक ही सब्सटेंस से बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको आयरन। कंस्ट्रक्शन स्टील बार्स, व्हील्स, दैट मींस तवा जो हम घर में यूज़ करते हैं, तो तवा आयरन से बनाया जाता है। पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेबल्स, कबर्ड्स, ये सारी चीज़ें आयरन से बनाई जाती हैं। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से क्या बनता है? किचन यूटेंसिल्स, जो किचन में हम बर्तन यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल केबल्स होती है, इनको हम किससे बनाते हैं? एल्यूमिनियम। तो देखिए, कॉटन है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, एक ही मटेरियल है, लेकिन उनसे हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस वी कैन सिलेक्ट सब्सटेंसेज सुटेबल फॉर आवर पर्पजेस। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी देख के उसे हमारी यूज़ के लिए कहाँ पे जो सब्सटेंस सुटेबल हो सकता है उसी को हम यूज़ करते हैं। द सब्सटेंसेस इन एवरी डे यूज़ आर ऑफ टू मेन काइंड। तो जो हम सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल एंड दूसरा होता है मैनमेड सब्सटेंसेस। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं।
अभी यहाँ पे देखेंगे, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन योर हाउस एंड नोट डाउन द सब्सटेंसेज दे आर मेड ऑफ। तो आपके घर में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अलग अलग सब्सटेंसेज से बनाया गया है, तो कौन सी चीज़ें हैं वो आपके लिखने हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न होता है, या फिर कबर्ड है, और फिर उसके बाद में आपको सब्सटेंसेस की कौन से मटेरियल से बनाया गया है ये लिखना है। नेक्स्ट दिया है क्लासीफाई, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। तो नीचे कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं आपको, तो उनको आपको क्लासीफाई करना है उनके यूजेस के अकॉर्डिंग। सैंड, सोप, वूल, विंडो ग्लास, बाम्बू, कॉटन, ब्रिक्स, सिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, सीमेंट, फ्रूट्स, वाटर, शुगर। तो ये सब्सटेंसेस आपको दिए गए हैं, इनको आपको क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू यूजेस। जैसे कि खाने की चीज़ें आएंगी एक क्लासिफिकेशन में, बाकी की दूसरे इसमें आएंगी। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस है तो उसके लिए सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स लगेगा, तो उसके लिए अलग क्लासिफिकेशन है। इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना है। यूज़ योर ब्रेन पावर में दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ईच ऑफ विच कैन बी मेड फ्रॉम सेवरल सब्सटेंसेस। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है आपके घर में कि जिसको अलग अलग सब्सटेंसेस से बनाया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयर है, तो चेयर प्लास्टिक की भी होती है, वुड की भी होती है, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट की लिस्ट आपको बनानी है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, लेदर, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल, मेटल्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो इनके दो ग्रुप बनने वाले हैं, तो कौन से है ये आगे हम देखेंगे यहाँ पे। नेचुरल सब्सटेंसेस, जैसे कि हमने देखे थे सब्सटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड। तो नेचुरल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस नेचर में नेचुरली अवेलेबल होते हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल सब्सटेंसेस। ऑफ दिस द सब्सटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो नेचुरल सब्सटेंसेस के भी दो टाइप्स हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स से मिलने वाले हैं और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलने वाले। तो सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंसेस। तो जो सब्सटेंसेस हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं वो कौन से ग्रुप में आने वाले हैं, बायोटिक सब्सटेंसेस में। एयर, सॉइल, वाटर आर सब्सटेंसेज दैट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर, ये भी नेचुरल सब्सटेंसेस ही है, नेचर से ही हमें मिलते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, तो इनका ग्रुप बन जाता है अबायोटिक सब्सटेंसेस में। देन सेकेंड यहाँ पे दिया है आपको क्वेश्चन, हाउ आर लेदर एंड वूल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन। तो लेदर, वूल और जूट, कॉटन, ये डिफरेंट क्यों है यहाँ पे? तो लेदर एंड वूल हमें मिलता है एनिमल्स से, तो सो दे आर फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। तो इनका ओरिजिन क्या है, एनिमल ओरिजिन। वेयर एज जूट एंड कॉटन आर सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो हमें जूट एंड कॉटन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और लेदर एंड वूल कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से। डू वी फाइंड प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर। तो प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास, ये क्या हमें नेचर से मिलता है क्या? नहीं। तो मैनमेड सब्सटेंसेस यहाँ पे देखेंगे हम, इट इज़ ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर न्यूअर थिंग्स एंड टू ट्राई टू मेक लाइफ मोर कम्फर्टेबल। तो ये ह्यूमन बींग्स की क्या होती है, क्वालिटी ही है कि जो भी थिंग्स हमें नेचुरली मिलती है उनको फिर से न्यू, उसमें कुछ आइडिया लगा के न्यू थिंग्स बनाई जाती है, जिसके कारण हमारी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा कम्फर्टेबल हो। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट मैन नॉट ओनली लर्न टू यूज़ नेचुरल सब्सटेंसेज बट ऑल्सो बिगेन टू प्रोसेस देम टू मेक न्यू सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो नेचुरल सब्सटेंसेस है उनको तो यूज़ करते ही है, लेकिन उनके ऊपर प्रोसेस करके और न्यू सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। सेवरल सच सब्सटेंसेस आर ईजीअर टू यूज़ एंड कैन बी मेड अवेलेबल इन प्लेंटी एट अ लो कॉस्ट। तो यहाँ पे कई सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि इनको प्रोसेस करके बनाया जाता है ताकि हमें प्लेंटी एट अ लो कॉस्ट, मतलब हमें ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा क्वांटिटी में ये अवेलेबल हो, और वो भी लो कॉस्ट में, मतलब कम कीमत में। देयरफॉर दी सब्सटेंसेस केम टू बी यूज ऑन ए लार्ज स्केल। और ये क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है। देयर आर अ ग्रेट मेनी सच मैनमेड सब्सटेंसेस इन यूज टूडे। तो इसी तरीके के मैनमेड जो सब्सटेंसेस है ज़्यादा से ज़्यादा आजकल यूज़ होती है। न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैनमेड सब्सटेंसेस।
तो मैनमेड सब्सटेंसेस किसे कहा जाता है कि जो नेचुरली थिंग्स हमें मिलती है, नेचुरली जो सब्सटेंसेस हमें नेचर में मिलते हैं उनको प्रोसीड करके फिर यूज़ किया जाता है, उसे कहा जाता है मैनमेड सब्सटेंसेस। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो ये पिलो कवर है, पेन है, या फिर ये शूज़ है, तो ये क्या है, यहाँ पे मैनमेड सब्सटेंसेस है कि लोगों ने क्या किया है यहाँ पे प्रोसेस करके फिर इनको यूज़ किया है। जैसे कि ये क्ले पॉट हमें दिख रहा है या मिट्टी के बर्तन दिखते हैं, तो सॉइल हमें नेचुरली मिलती है उसके ऊपर प्रोसेस करके या इस तरीके के बर्तन बनाए जाते हैं, या फिर चेयर है, या फिर ये बुक है, तो बुक जो पेपर, पहले के ज़माने में तो पेपर नहीं थे, तो नेचुरली जो थिंग्स मिलती है लोगों को यहाँ पे उनके ऊपर प्रोसेस करके इस तरीके के मैनमेड सब्सटेंसेस मिलते हैं जिसको लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ऊपर हम देखेंगे तो जैसे कि ऊड है, तो ये हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलते हैं इस टाइप के सब्सटेंसेस। और स्टोन है, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, नेचर में, तो ये होते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस। और मैनमेड सब्सटेंसेस मतलब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड करके जो नेचुरल थिंग्स मिल रही है उनके ऊपर प्रोसीड करके फिर मैनमेड सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, अर्लियर इलीज और कैप्स मेड ऑफ ग्रास और सैक क्लॉथ वेयर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन। तो पहले के ज़माने में तो अम्ब्रेलाज, रेनकोट वगैरह नहीं होते थे, तो लोग यहाँ पे इरलीज करके जो आता था रेन से बचने के लिए उसे लोग यूज़ करते थे, या फिर ग्रास से बने हुए कैप से या फिर सैक क्लॉथ बनाए जाते थे उसको ही यूज़ किया जाता था रेन से बचने के लिए। देन क्लॉथ अम्ब्रेलाज केम इन टू यूज़, उसके बाद अम्ब्रेला जो कपड़े से बने हुए अम्ब्रेलाज है उनको यूज़ किया जाने लगा। नाउ डेज द रेनकोट, स्कूल बैग्स एंड द बुक्स कवर यू यूज कैन ऑल बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक। तो जैसे कि आप भी देख सकते हो कि रेनकोट आप लोग यूज़ करते हो रेनी सीजन में, आपके स्कूल बैग से, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम प्लास्टिक की बनी हुई यूज़ करते हैं आजकल। डेलिकेट आर्टिकल्स है, पेरिशेबल फ्रूट्स एक्सेट्रा रिक्वायर पैकिंग। तो जो डेलिकेट आर्टिकल्स होते हैं या फिर पेरिशेबल फ्रूट्स होते हैं इनके लिए हमें पैकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है अगर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। तो टू पैक टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, बिग कार्टन्स एंड द थर्मोकॉल आर बीइंग यूज्ड। तो टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स आपने देखा होगा, अगर न्यू आप टीवी रेफ्रिजरेटर्स लेते हो तो उसके आजू बाजू में थर्मोकॉल से बड़े बड़े शीट लगाए जाते हैं ताकि वो चीज़ क्या रहे, सेफ रहे। ऑल दिस आर मैनमेड सब्सटेंसेस। तो ये थर्मोकॉल किसने बनाया है, मैन ने, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है प्रोसीड करके। दिस सब्सटेंसेस आर वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट, लाइट वेट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ वाई दे आर बींग यूज इंक्रीजिंगली। तो ये जो मैनमेड थिंग्स होती है ना कि लोग अपने यूज़ के पर्पज़ के लिए बनाते हैं कि ईजीली जैसे कि वाटर प्रूफ बने ज़्यादा, मतलब जो भी चीज़ बना रहे हैं वाटर प्रूफ बने या फिर लाइट वेट हो, तो इसके कारण क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के लिए ईजी हो सकता है। देन यहाँ पे हम देखेंगे क्लासीफाई द वेरियस सब्सटेंसेस अवेलेबल इन द हाउस एज अ नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंसेस। तो आपके घर में जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो उसमें आपको नेचुरल कौन सी चीज़ें हैं या फिर मैनमेड सब्सटेंसेस कौन से यूज़ हुए ये आप क्लासीफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ मैनमेड सब्सटेंसेस, तो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखेगा जिसमें दिया है आपको एरिया ऑफ यूज़ कहाँ पे यूज़ हो रहा है और नेचुरल सब्सटेंसेस और मैनमेड सब्सटेंसेस कौन से, इसका एक चार्ट दिया है। तो पहला जो एरिया दिया है आपको कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन साइट में नेचुरल सब्सटेंसेस कौन से यूज़ होते हैं, तो बाम्बू है, स्टोन, सॉइल, वुड, कोकोनट फ्रॉन्ड्स एंड लाइम, ये सारी चीज़ें हमें नेचुरली मिलती है तो ये नेचुरल सब्सटेंसेस में आएगा। मैनमेड सब्सटेंसेस ब्रिक, सीमेंट, कॉन्क्रीट, गैल्वेनाइज्ड शीट्स, क्ले टाइल्स, प्लास्टिक, एस्बेस्टस शीट, तो ये सारे आएंगे मैनमेड सब्सटेंसेस में। राइटिंग मटेरियल्स ट्री बार्क, लीव्स, बुर्जपत्र, पेन मेड फ्रॉम रीड्स, धूलपत्य, स्टोन स्लेट्स, स्टोन वॉल्स इन केव्स, सॉइल एंड कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सारी जो चीज़ें दिख रही है ना आपको राइटिंग मटेरियल्स वाली, ये पहले के ज़माने में जिस टाइम पेपर का मतलब पेपर डिस्कवर नहीं हुआ था, लोगों ने पेपर को ढूंढा नहीं था, तो उस टाइम लोग क्या करते थे, ट्री बार्क मतलब जो पेड़ की ऊपर की जो बार्क होती है तो उसको निकाल के वहाँ पे लिखा जाता था, या फिर लीव्स होते थे उनके ऊपर लिखा जाता था। भुर्जपत्र आपने पढ़ा होगा 4th-5th स्टैंडर्ड में इसके बारे में। उसके बाद स्टोन की स्लेट्स बनती थी तो उनके ऊपर लिखा जाता था। तो ये सारी क्या है, नेचुरल थिंग्स जो हमें नेचुरली मिलती थी इसको यूज़ किया गया है। लेकिन आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो मैनमेड थिंग्स होती है, जैसे कि पेन से, पेंसिल से, मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल, पेपर, नोटबुक एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है, मैनमेड जो हम लोगों ने बनाई है। उसके बाद थर्ड एरिया आता है थ्रेड्स, फाइबर एंड यार्न। तो कॉटन, सिल्क, वूल, ये क्या है, नेचुरल है, नेचुरली हमें मिलता है। नायलॉन एंड रेयन, ये हम लोगों ने बनाए हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई देगा। कंप्लीट द टेबल बिलो शोइंग हाउ सब्सटेंसेस ऑफ डेली यूज आर क्लासिफाइड। तो यहाँ पे आपको ये टेबल दिखेगा। तो सब्सटेंसेस इन डेली यूज, तो यहाँ पे टाइप दिए है दो, तो यहाँ पे मैनमेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा नेचुरल। उसके बाद अबायोटिक, दूसरा क्या आएगा बायोटिक। अगेन बायोटिक के दो टाइप्स हो रहे हैं यहाँ पे, प्लांट ओरिजिन और यहाँ पे आएगा एनिमल ओरिजिन। तो प्लांट ओरिजिन में क्या आता है, जैसे कि कॉटन है, उसके बाद यहाँ पे एनिमल आएगा एनिमल ओरिजिन जिसमें लेदर आता है। उसके बाद मैनमेड, तो मैनमेड में कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे चार्ट में कई सारे दिए, जैसे कि पेंस है, उसके बाद ऊपर हमें क्या है ब्रिक्स सीमेंट कंक्रीट, ये आप यहाँ पे टेबल में लिख सकते हो। और ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लेना एक बार। ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जो ग्लास मतलब कांच होती है, किससे बनती है, सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। हाउ एवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम ग्लास। तो देखिए यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ग्लास किससे बनता है, सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट से। लेकिन एक बार ग्लास बन जाता है, कांच बन जाती है, तो कांच को तोड़ने के बाद हमें फिर से सैंड कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ग्रीन चिलीज और टोमेटोज टर्निंग रेड आफ्टर सम टाइम। हैव यू एवर सीन अनहर्ड ऑफ रेड टोमेटोज बिकमिंग ग्रीन अगेन। तो जैसे कि आपको पता होगा ये बात कि टोमेटोज़ होते हैं, अगर आपने बाज़ार से ख़रीद के लाए, उनका कलर अगर ग्रीन है, तो कुछ दिन बाद वो क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। जैसे कि ग्रीन चिलीज़ है, थोड़े कुछ दिन के बाद रेड बन जाती है। लेकिन आपने कभी ऐसे देखा है या फिर सुना है क्या, रेड टोमेटो फिर से ग्रीन हो गए, या फिर जो रेड चिली है अगेन ग्रीन हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वाइल मेकिंग मैनमेड सब्सटेंसेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंडरगो अ चेंज। दिस चेंज ऑकर ड्यू टू सर्टन केमिकल रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे मैनमेड सब्सटेंसेस बनते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूज़ किए जाते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। एंड दिस चेंज ऑकर्स ड्यू टू सर्टन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर कोई न्यू सब्सटेंस बनाना है, दो यहाँ पे चीज़ें लेकर अगर कोई न्यू सब्सटेंस मैनमेड हम बना रहे हैं यहाँ पे नेचुरल थिंग्स को यूज़ करके, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या हो जाती है, पूरी तरीके से चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी होता है। दिस चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज आर परमानेंट। तो जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो परमानेंट होती है, वो बाद में चेंज नहीं होगा। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम द न्यू सब्सटेंस। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ पे यूज़ किया, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे ग्लास का। अगर ग्लास बनाने के लिए हमने सैंड यूज़ किया है और कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया है, तो इनके केमिकल रिएक्शन हमने केमिकल रिएक्शन करके हमने ग्लास को, कांच को बनाया है, तो कांच फिर से तोड़ के हमें सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कांच बन रही है तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अलग होगी और परमानेंट होगी, जो चेंज नहीं होने वाली है। सच चेंजेस आर कॉल्ड ई रिवर्सिबल चेंजेस। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं, इन्हें ई रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हमें फर्स्ट दिया है सब्सटेंस रबर। रबर इज़ ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो रबर भी दो टाइप का होता है, जो नेचुरली मिलता है और आर्टिफिशियल जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। नेचुरल रबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गम और ए सैप ऑफ अ ट्रीज। तो जो रबर के ट्रीज़ होते हैं, जिनसे गम निकलता है, जो स्टिकी सब्सटेंस होता है गम की तरह ट्रीज से निकलता है, दिस सैप इज कॉल्ड लैटेक्स। तो इसे क्या कहा जाता है, लैटेक्स। रबर हैज़ अ पिक्यूलियर ऑर्डर एंड इट इज़ वाइट इन अ कलर। तो रबर, ये जो लैटेक्स निकलता है, किस तरीके का होता है, पिक्यूलियर ऑर्डर मतलब एक अजीब तरीके का स्मेल आता है उसे, एंड ये वाइट कलर का होता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो यहाँ पे रबर पे एक प्रोसेस किया जाता है जिसे वल्कनाइजेशन कहा जाता है। तो कौन सी प्रोसेस है ये, इन दिस प्रोसेस रबर इज़ हीटेड विथ सल्फर फॉर 3 to 4 hours। तो रबर के साथ यहाँ पे सल्फर को हीट किया जाता है 3 to 4 hours के लिए। टू गिव हार्डनेस टू द रबर सल्फर इज मिक्स इन इट। तो सल्फर क्यों ऐड करते हैं रबर में, तो रबर को हार्डनेस देने के लिए, क्योंकि रबर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, तो या फिर इलास्टिसिटी जिससे बोलते हैं हम, तो इसके कारण इसमें सल्फर डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, ताकि इसको हार्डनेस मिले। द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द पर्पस फॉर विच द रबर विल बी यूज। तो जो सल्फर हम इसमें ऐड करने वाले हैं रबर के साथ, इसका जो प्रोपोर्शन होता है, डिपेंड होता है कि रबर हमें किसके लिए यूज़ करना है। यहाँ पे इरेजर, रबर बॉल्स, रबर टॉयज ऑल हैव वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन देम।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टॉयज़ होते हैं या फिर रबर का बॉल होता है तो ये किस तरीके का होता है, सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो वहाँ पे सल्फ़र की जो प्रोपोर्शन रहेगा, जितना सल्फ़र हमें डालना है वहाँ पे उसका प्रोपोर्शन भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पिक्चर देखोगे तो टॉयज़ के लिए अलग टाइप का रबर आएगा, मतलब जो हार्डनेस होती है वो थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पर होता है रबर का। अगर बात करेंगे हम टायर की, तो टायर कैसे होने चाहिए, यहाँ पर हार्ड होने चाहिए, तो इसके लिए सल्फ़र की जो प्रोपोर्शन, जो मात्रा होती है ये डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे इरेजर, रबर बॉल्स, रबर टॉयज ऑल हैव वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन देम। इन रबर बैंड्स द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज़ वेरी स्मॉल। रबर बैंड जो होते हैं, हमें इलास्टिक जो इलास्टिसिटी होती है रबर बैंड्स के, ज़्यादा ही चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे सल्फर जो होता है काफ़ी कम मात्रा में मिक्स किया जाता है। तो ये जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस है किसने डिस्कवर किया, ये हमें देखना है। यहाँ पे चार्ल्स बुरियर स्पील अ मिक्सचर ऑफ रबर एंड सल्फर ऑन अ बर्निंग स्टोव। आफ्टर द स्टोव वॉज एक्सटिंग्विश ही नोटिस दैट द रबर हैड बिकम हार्डर एंड लेस इलास्टिक। जो चार्ल्स यहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया था कि रबर को सल्फर के साथ मिक्स करके उसको जब स्टोव पे हीट किया था, तो उन्हें ये समझ में आया था कि रबर जो होता है अगर सल्फर के साथ हीट किया जाता है तो हार्डर बन जाता है। ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट इन अ सिस्टमेटिक वे एंड इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। तो चार्ल्स जो थे, इन्होंने ही वल्कनाइजेशन प्रोसेस को फाइंड आउट किया कि किस तरीके से रबर के साथ सल्फर को अगर मिक्स किया जाता है तो रबर हार्ड हो जाता है। हार्ड एंड टफ टायर्स ऑफ रबर मेड देंस फोर्थ ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब व्हील की ज़रूरत थी या फिर उनके हार्डनेस की ज़रूरत थी, तो ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस वहाँ पर यूज़ किया गया है। रबर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंसेस ऑप्टेन बाय कलेक्टिंग द लैटेक्स ऑफ ए सर्टन ट्री। जो ट्रीज होती है उनका जो लैटेक्स, हमने पहले भी देखा कि जो गम निकलता है ट्रीज से, जो स्टिकी सब्सटेंस निकलता है इस तरीके से ट्रीज से, इनको यूज़ किया जाता है। रबर ट्रीज आर फाउंड इन एबंडेंस इन ब्राज़ील। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, ब्राज़ील में। लेटर दिस ट्रीज़ वेयर प्लांटेड इन अदर कंट्रीज़ टू। लेकिन जब लोगों को ये पता चल गया कि इससे रबर बना सकते हैं, तो काफ़ी दूसरे देशों में भी रबर प्लांटेशन होने लगा, मतलब रबर की जो ट्रीज थे उनको प्लांट किया जाने लगा। द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस ट्री इज़ हेविया ब्राज़ीलिनेसिस। इन इंडिया द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर इज़ इन केरला। तो इसका बॉटनिकल नेम भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और इंडिया में ये रबर का जो प्रोडक्शन होता है ये कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा केरला में। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन का ये इतना पार्ट तो हमने यहाँ पे देख लिया है। ये लेसन काफ़ी लेंदी है, इसीलिए इसके दो पार्ट बनने वाले हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का, उसे हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो आपने इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है कि जो सेकेंड पार्ट का वीडियो अपलोड होगा उसे भी आपको कम्प्लीट देखना है, ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा।